हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में जानेंगे और उसके जो बॉडी पार्ट्स के क्या क्या नेम हैं, किस नेम से उसे जाना जाता है, ये देखेंगे। ठीक है, साथ साथ में उस जो पार्ट्स है उसमें कौन कौन सी बोन्स पाई जाती है वह भी देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं एक इमेज है, इसके माध्यम से हम समझेंगे। तो टॉप टू बॉटम मतलब हेड से जो फीट तक में जो भी बॉडी पार्ट्स होंगे उसे हम काउंट करते जाएंगे और उसे हम देखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आ गया हेड। हेड हेड में जो बोन होती है उसे क्रेनियम बोन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद है फोरहेड, जिसे माथा कहते हैं, ये फोरहेड हो गया। फिर ईयर मतलब जो कान होते हैं उसे ईयर बोलते हैं। आइस, आइस मीन्स आँखें। नोस, ये नोस है, नोस मीन्स नाक, ये माउथ, मुंह। चीक, चीक मीन्स होता है गाल, जो गाल होती है उसे चीक्स बोलते हैं। नेक, नेक मीन्स होता है गर्दन, है ना, गर्दन को इंग्लिश में नेक बोला जाता है। नेक में जो बोन्स होती है उसे बोलते हैं, सर्वाइकल स्पाइन होती है नेक में। अब नेक के नीचे हम आ जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, शोल्डर, कंधा, ये जो है कंधा है। ठीक है, तो कंधे में कौन कौन सी बोन आपको मिलेगी, एस्केपुला मिलेगी और क्लेविकल और आपको हेड ऑफ ह्यूमरस, ये तीन बोन आपस में जुड़ती हैं और शोल्डर जॉइंट बनाती है। ठीक है, उसके नीचे आएंगे थोरेक्स, छाती, चेस्ट, चेस्ट बोला जाता है। ठीक है, आर्म, आर्म आ जाएंगे, आर्म मीन्स होता है भुजा। ठीक है, ये भुजा को इंग्लिश में आर्म बोला जाता है। आर्म के नीचे जैसे आएंगे तो ये हो गया एल्बो है, ये कोहनी, कोहनी। ठीक है, कोहनी, कोहनी के नीचे जैसे ही हम आएंगे तो इसे फोरआर्म बोला जाता है, जैसे ये आर्म है तो इसे फोरआर्म कहा जाता है इसे। ठीक है, फिर ये है, यहाँ पे होता है रिस्ट, रिस्ट जिसमें रिस्ट बोन होती है, कार्पल बोन होती पाई जाती हैं, फिर उसे बोलते हैं। फिर नीचे आएंगे तो आप, ये हैंड है, हैंड मतलब हाथ, और फिंगर्स, फिंगर्स मतलब जो हाथ की उंगलियां होती है उसे फिंगर्स बोला जाता है। इसमें फैलेंजेस होती है बोन्स, और जो हैंड में जो बोन्स होती है मेटाकार्पल और रिस्ट में कार्पल, और फोरआर्म में कौन कौन सी बोन होगी, रेडियस एंड अल्ना बोन होती है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रेडियस एंड अल्ना बोन टू बोन्स होती है। अब यहाँ पे आ जाएंगे हम थोरेक्स के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक नाभि जिसे बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं अम्लाइकस। ठीक है, अम्लाइकस बोलते हैं नाभि को। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं आप छाती में या चेस्ट में, थोरेक्स जन में आपको कौन सी बोन्स रहेंगी, रिप्स, रिप्स पाई जाती हैं। उसके नीचे अम्लाइकस वाला जो एरिया है इसे बोलते हैं पेट, पेट में एब्डोमेन, पेट। ठीक है, और ये जो हैंड में जो होता है इसे अंगूठे को थंब बोला जाता है, थाई। अब लोअर पार्ट में आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये थाई है, थाई में कौन सी बोन्स होती है, फीमर बोन्स होती है, फीमर। और यहाँ पर, यहाँ पे हिप जॉइंट बनता है। ठीक है, हिप जॉइंट होता है यहाँ पे, फीमर के नीचे आ जाएंगे जब हम, जैसे थाई के नीचे आएंगे तो यहाँ पे होगा नी, घुटना, घुटने में टू बोन्स मिलकर बनती है, इसमें थ्री बोन्स आपको दिखाई देगी, लोअर एंड ऑफ फीमर एंड टिबिया एंड फिबुला और पटेला होती है नी केप, तो ये नी जॉइंट बन गया यहाँ पे। नी जॉइंट के नीचे आएंगे तो ये लेग है, लेग में टू बोन्स होती है टिबिया एंड फिबुला, इसे काफ भी बोला जाता है ना, ये लेग्स हो गया। ठीक है,
अब लेग के नीचे आएंगे तो यहाँ पे एंकल एंकल जॉइंट बनता है यहाँ पे, और ये फुट है, ठीक है, फीट बोल रहा है जिसे, और फुट में जो उंगलियाँ होती है उसे टोज बोला जाता है, बड़ी उंगली को जो सबसे होती है उसे ग्रेटर टो, और बाकी उसको टोज बोला जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से बॉडी पार्ट्स होते हैं मानव शरीर के, जैसे हमने इसमें देखा। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।